महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर करोड़ों लोगों ने प्रयागराज के संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। इस बार के कुंभ में कई कीर्तिमान भी बनाए गए, जहां पर एक तरफ प्रयाग की धरती पर जनसैलाब उमड़ा तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा किए गए पुख्ता इंतजाम को भी लोगों ने जमकर सराहा। शाही स्नान के इस अवसर पर कुंभ में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय सिंह चौहान ने। शाही स्नान आज और इस शाही स्नान का स्थापना और कहीं ना कहीं महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के मौके पर आप देख सकते हैं आज कुंभ के प्रयागराज में संगम तट पर किस तरीके की भीड़ उमड़ी है। ये यहाँ पर कैमरा आपको तस्वीर दिखा रहा है, वहाँ पर ये गंगा जमुना सरस्वती के जो विलय है वो होता है और यहाँ पर स्नान के लिए कल देर रात से ही लोगों का जो हुजूम है वो उबरने लगा है, खासकर क्योंकि आज अंतिम स्नान माना जा रहा है और आज माना जा रहा है कि अब कुंभ कहीं ना कहीं समेटने लगेगा। लेकिन शिवरात्रि का खास महत्व है, क्या महत्व है और किस तरीके से शिवरात्रि की पूजा करते हैं और किस आराध्य की पूजा करते हैं, तमाम फैमिलीज यहाँ पर दर्शन के लिए स्नान के लिए पहुंची है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग गाजियाबाद से आए हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर आए हैं कि इतना बड़ा पर्व बड़ा शाही स्नान है ये और बहुत अच्छा लगा। सबसे मेन है कि योगी जी की व्यवस्था में बहुत अच्छी लगी, इतने करोड़ों लोगों को इतना मैनेज करके चलना बिल्कुल साफ सफाई और बहुत अच्छा लगा। स्नान किया आपने? हाँ जी स्नान किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। कहाँ से आए? गाजियाबाद से। महाशिवरात्रि का क्या खास महत्व है और किस लिए पूजा जाता है कुछ मालूम है आपको? महाशिवरात्रि का खास क्या है, महत्व क्या है? शिव पार्वती की पूजा होती है, शिव पार्वती जी की पूजा होती है। यहाँ का माहौल, यहाँ की व्यवस्थाएं, जिस तरीके से स्नान किया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी है, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीननेस है, बहुत क्लीननेस है। यूथ कहीं ना कहीं कल्चर से भाग रहा है, क्या ऐसे में आप मैसेज देंगे अपने फ्रेंड्स? दैट्स व्हाई आई एम हियर, क्योंकि हम यहाँ पे इसीलिए, आपको दिख रहा है यूथ तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे यूथ के, अपने फ्रेंड्स को प्रेरित करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, और लोग भी जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से महाशिवरात्रि की पूजा की जाती है और क्या महत्व है और क्या उम्मीद लेकर के आई थी, क्या माना था कि यहाँ पर आएंगे भगवान क्या पूरा करेगा? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आकर और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि महाकुंभ में आने का इतना सुअवसर ईश्वर ने हमें प्रदान किया। और महाशिवरात्रि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आज का दिन हम भगवान शिव और पार्वती जी की विवाह के रूप में मनाते हैं और बहुत सारे हमारे जोड़े ये उम्मीद लेकर आते हैं कि हमारी भी जोड़ी जो है वो भगवान शिव और पार्वती जैसी ही बनेगी और हम ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारी जो जोड़ी बनी है वो हमेशा भगवान शिव पार्वती की तरफ बनी रहेगी। अकेले से बात करने के लिए थी तो तमाम मेहमान जी का साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं जो लोग हैं आस्था की डुबकी लगा रहे, यहाँ की व्यवस्था तो चार चौबन थी लेकिन महाशिवरात्रि का जो पर्व का महत्व है वो ये कि नए लड़के नई जोड़ी बन जाए और जिनकी जोड़ी बनी है वो सलामत रहे। ऐसे तमाम जो है भगवान से आस्था लेकर के हजारों लोग करोड़ों लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ संजय सिंह चौहान, केट न्यूज़।